आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल खेला जाएगा ट्वाइन नेशनल सीरीज का, और कल को पाकिस्तान अपना आखिरी मैच खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश। टॉप टू टीम क्वालिफाई फॉर फाइनल, और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगी, और बांग्लादेश बाहर होगी क्योंकि बांग्लादेश ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। अगर इनकेस कल को अगेंस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जीत जाए तो फिर ही बांग्लादेश बाहर हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश को दो मैचेस लाजमी जीतने थे। और टॉप टू टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगी, और पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस ट्वाइन नेशनल सीरीज में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेकिन पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर अगेन बहुत बड़ा कंसर्न है, और आसिफ अली हमारे पावर हिटर भी इफ्तिकार और आसिफ अली रन्स नहीं कर पा रहे। पिछले मैचेस में उनको मौका मिला था लेकिन उन्होंने एक पूरी इनिंग्स खेली, और अगेन मिडल ऑर्डर नहीं पता चल रहा कि क्या होएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ओपनिंग के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगर ओपनिंग चल जाए तो मिडल ऑर्डर फेल हो जाता है, अगर ओपनिंग फेल हो जाए तो मिडल ऑर्डर भी फेल हो जाता है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता, इंटेंट नहीं होती, ना अप्रोच होती है, ना अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैप नहीं करते। तो हमारा मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ गया है, कुछ ही हफ्ते रह गए। तो क्या माइंडसेट होएगा, क्या ऐसी टीम के साथ जाना चाहिए, लेकिन अभी आप चेंज भी नहीं कर सकते अनलेस कोई इंजरीज हो जाए। और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर इम्प्रूव होना चाहिए, और पाकिस्तान टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है फैंस की तरफ से, क्योंकि किसी वक्त कभी पाकिस्तान हार रहा होता है तो एकदम पाकिस्तान की टीम उठ जाती है। तो बिलीव बहुत है इस टीम के ऊपर, लेकिन इस टीम को इम्प्रूव करना चाहिए, और मिडल ऑर्डर बहुत बड़ा करते हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बैटिंग हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं रिजवान और बाबर के ऊपर। और अगर पाकिस्तान की टीम ने इम्प्रूव करना है तो मिडल ऑर्डर बहुत बड़ा कंसर्न है, और इस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। और अगर और पाकिस्तान टीम को प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी कि किसको मिडल ऑर्डर पे खिलाना है, कोई एक्स्ट्रा बैट्समैन हो जाए, लेकिन ये सारा कुछ मैनेजमेंट के ऊपर है वो क्या करेगी, क्योंकि सब आखिरी जो फैसले होते हैं वो मैनेजमेंट ही लेती है, प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। और लेट्स सी कि वर्ल्ड कप में किस तरह पाकिस्तान परफॉर्म करेगी, लेकिन उससे पहले फाइनल कल को भी पाकिस्तान खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन फाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।